था, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ। भाई मेहमान आएंगे तब खत्म करोगे क्या? चाचा बस आ गया, दो मिनट में आपके पास ही आ रहा हूँ, हो गया सारा काम, हो गया, जल्दी करो भाई। शाबाश, जल्दी करो, जल्दी करो शाबाश। या अल्लाह, हद हो गई, सारे घर के काम मुझे अकेले को करने पड़ते हैं, ये लोग तो बिल्कुल। शाबाश शाबाश। अबे सुनो, ओ जरा फर्नीचर वाले को देखो। अबू, जुहेर कहाँ है, कुछ पता है आपको? बाहर गया है, अभी आ जाएगा। खैर, मुझे पार्लर जाना है। आपका इस हालत में मैं लोगों का इस्तकबाल करूंगी? सर झाड़ मुंह फाड़, मेरा काम उनको हमेशा नहीं याद रहता, भूल जाते हैं वो। अच्छा अच्छा, मैं किसी लड़के से पूछता हूँ, उसे मालूम हुआ है। हाँ पता करें, फिर मुझे बताएं आप। बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुमसे बहुत कम। ये मेरे लिए वाकई बहुत कीमती है। कीमती कोई चीज नहीं होती हुरैन, कीमती सिर्फ इंसान का वो रिश्ता होता है, एहसास होता है, इसकी वजह से हम एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं। लेकिन ये मेरे लिए वाकई बहुत कीमती है। वो क्यों? क्योंकि ये आपकी जानिब से दिया गया पहला तोहफा है। पहला नहीं, दूसरा। दूसरा? पहला तोहफा वो दिल जो कभी मेरे सीने में धड़कता था। बातें बनाना ना कोई तुमसे सीखे। इन्हीं बातों की वजह से आज हम साथ हैं। अल्लाह करे ये साथ हमेशा रहे। आमीन। जाके अपनी लाडली बेटी को देखें, अभी तक सोग मना रही है या तैयार भी उसने होना है? एक तो सारा काम ना मेरे सर पे जिम्मे डाला हुआ है, जैसे सबका ठेका मैंने लिया हो। ठीक है, देखती हूँ। और हाँ, कि आप तो कपड़े बदली कर लें, हैं? सबको क्या दिखाना चाहती हैं कि आपकी बहू आप पे बहुत जुल्म करती है और सारी घर की जिम्मेदारी आपके कंधे पे डाली हुई है। जाएं, कपड़े तब्दील करें आप। और तुम सुबह से काम कर रहे हो, सुबह से शाम होगी लेकिन तुम्हारा काम नहीं खत्म हुआ। मेहमान आने वाले हैं, क्या हो गया? एक तो सारे चोर निकम्मे ना मेरी ही किस्मत में लिखे हैं। बाजी फिकर क्यों करती हैं? शाम में जब ये लाइटें झिलमिल करेंगी ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। अरे बस करो, पैसे बनाने के चक्कर में ना तुमने ये टाइम कर दिया, लेकिन एक बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो, जो पैसों की तुमसे मेरी बात हुई है ना मैं वो ही दूंगी, बस। तो काम कर रहे हैं, बस हो गया काम आपका, तो जल्दी से काम खत्म करो, शाम होने को आ गई है, मेहमान आने को आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे हैं? और अबू, हाँ बेटा, जुहेर किधर है? हाँ बेटा, अभी आ रहे हैं, 5 मिनट में। उसके कुछ दोस्त आए हुए हैं। एक तो उसके दोस्तों से जाने छूट रही, और यहाँ मुझे पार्लर जाना है। क्या हुरैन भी जाएगी? हुरैन क्यों जाएगी, मेहंदी का दिन है, घर पे तैयार हो जाएगी। अगर आज ही सारी बन सवर गई तो फिर बारात वाले दिन उसके चेहरे पर रौनक नहीं आएगी। हाँ, मैं जरा जुहेर को देख लूं। टाइम नहीं है, मैंने तैयार होना है। बेटा, हुरैन, क्या हुआ, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बस वो लोग तो आते ही होंगे। जा रही हूँ, तैयार हो। हाँ जल्दी से तैयार हो। अरे कहाँ जा रही हो, कहाँ है तुम्हारा ध्यान? कपड़े तो लो। ध्यान से निकल रहे। चलो जा, शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ मेरे बच्चे। अल्लाह मेरी बच्ची का नसीब अच्छा करे, उसे हर दूसरे बात से बचा। माशाल्लाह, आज मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, अल्लाह हर बुरी नजर से बचाए। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे
आसमान से चांद नीचे उतर आया। हमें बस आप दुआ करें कि इस चांद को ग्रहण ना लगे। इसे ना कहो बेटा, ना ना करे। अल्लाह तुम्हारी पेशानी को हमेशा रोशन और शादाब रखे। और बेटा ये दिन तो नसीबों वालियों को मिलता है। आज देख लो तुम्हारे हाथों में मेहंदी भी लगेगी, है ना? हाँ, एक ऐसे शख्स के नाम की जिसे मेरा दिल लम्हा भर कबूल नहीं करता। एक दिन भी इस शख्स के साथ कैसे रहूंगी मैं? रैन, क्या हुआ बेटा, कहाँ खो गई? नहीं अम्मी, कुछ नहीं। अच्छा चलो तुम गजरे पहनो, मैं एक मिनट में आती हूँ, ठीक है? नहीं बेटी। अरे हौसला कर यार, इस तरह औरतों की तरह रोने से कुछ नहीं होगा। कैसे लाऊं हौसला यार, इसकी वजह से अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए किसी और का होते हुए देखो। वैसे होरेन ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। क्या ठीक नहीं किया? वो मजबूर थी यार, घर वालों के खिलाफ इतना बड़ा फैसला वो कैसे ले सकती है? अरे यार ये थोड़ी कोई लॉजिक हुई कि इतने आराम से वो किसी और की जिंदगी में चली जाए। ऐसा थोड़ी होता है यार, मोहब्बत है, कोई मजाक थोड़ी है कि इतने आराम से छोड़ दिया जाए। ये तो सीधी सीधी बेवफाई हो गई यार, कि वादा तुमसे और शादी किसी और से। मैं कहता हूं तुम्हें एक दफा उससे बात जरूर करनी चाहिए। ऐसे कैसे यार, अरे मेहंदी है उसकी आज। मेहंदी है, निकाह थोड़ी है। हो सकता है इस लम्हे वो तुम्हें अपने पास देखे, उसका दिल हौसला पकड़े और वो शादी से इनकार कर दे। अरे भाई ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, असल में नहीं। अरे ऐसे कैसे? अरे ऐसे कैसे क्या मतलब यार, तुम्हें एक बार अपनी किस्मत को जरूर आजमाना चाहिए, वरना सारी जिंदगी यही पछतावा रहेगा, अपनी मोहब्बत अपने हाथों से किसी और को सौंप दी। अरे हिम्मत कर यार, ऐसे कैसे अपनी मोहब्बत को जाने दोगे? मोहब्बत और जंग में सब जाएगा, और मोहब्बत हासिल करने के लिए जंग करनी ही पड़ती है। फिर बता यार क्या करूं, कैसे पहुंचूं उस तक? एक हल है मेरे पास। अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे मेरी बेटी, कभी कोई नहीं होगा। लो भाई, यहाँ तो सफ़े मातम बिछा हुआ है। ये क्या बकवास है अम्मी, खुशी का घर है, मेहमानों से पूरा घर भरा हुआ है, और ये आप लोग यहाँ बैठे बहन कर रहे हैं, हद है यार। ये कोई मौका है नहुसत फैलाने का? अम्मी आपको तो कम से कम ख्याल करना चाहिए है, बजाय इसको समझाने के आप भी इसके साथ लगी हुई हैं। अम्मी सही तो कह रही है, ये कौन सा वक्त है आवाजारी करने का, कौन सा इसके साथ गलत हो रहा है जो टसवे बारी है बैठी हुई है। पूरे घर में मेहमान फिर रहे हैं, अगर किसी को भिनक भी पड़ गई ना कि इसके बिलक बिलक के रोने की, तो 100 किस्म के मतलब निकालेंगे। बस करो हुरैन, बस करो, क्या सोचेंगे लोग कि हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? हाँ भाई, लोग तो सोचेंगे कि इसके साथ जबरदस्ती की जा रही है। भाई और भावच तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं क्या? भाई तुम्हारी कहीं ना कहीं तो शादी होनी थी ना, तो अगर मैं अपने खानदान में तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ तो मेरा तो कुछ एहसास कर लो। ही बेटा ऐसा कुछ नहीं है, शादी के मौके पे हर लड़की के दिल के ये जज्बात होते, 100 तरह के वहम होते। बस बस कर दे अम्मी, मैं सब जानती हूँ ये टसवे क्यों बहा रही है, मेरी खामोशी को मेरी गनीमत समझे और चुप कराए इसको, और इसको भी कोई हम लोग मौत के घाट थोड़ी उतार रहे हैं। अम्मी बेहतर होगा क्या बाहर आ जाए, आप इसके साथ बैठी रहेंगी ना तो ये तमाशा लंबा होता रहेगा, चले बाहर यार। अच्छा आप तो बाहर जाएं, मैं लेकर आती हूँ। और इसको भी कहें कि तैयार होकर जल्दी बाहर आ जाए।
एक तो अब्बू भी पता नहीं कहाँ छुपे बैठे, क्या क्या हैंडल करूं मैं, तमाशे लगाए मैं। आपको ना बहाना चाहिए हर चीज से भागने का। मौका मिला नहीं, बेटी के पास आके बैठ गई, और ये जाके कपड़े तब्दील करें, सारे मेहमान बाहर इंतजार कर रहे हैं, और इसको भी चुप कराएं, आ जाए। ड्रामे बाजियां। नहीं मेरे बच्चे, आज के दिन ऐसा नहीं रोते। तुम देखना, तुम्हारे लिए आने वाला हर दिन बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। ऐसी अच्छी बहू मिली है साहिबा को, कैसे झटपट अपनी नन का रिश्ता करवा दिया, वरना कहाँ आजकल बहू एहसास करती है। हाँ बहन, ये भी खूब कही तुमने, घर भी संभाला हुआ और सास ससुर की परेशानी भी समेटी हुई, और तो और अपनों में रिश्ता भी कर दिया, भाई बड़ा दिल है लाइबा का। पर मैंने तो सुना है लड़का बड़ी उम्र का है, बल्कि आदमी का हो और रंग भी अच्छा खासा दबा हुआ है। अरे भाई, लड़की की उम्र कौन देखता है, अपना घर हो कारोबार हो तो लड़की ऐश करेगी ऐश, और खाली शक्ल सूरत को क्या अचार डालना है किसी ने। हाँ मैं, तैयार हो गई हो तुम किसी और की दुल्हन बनने के लिए? पहन लिया जोड़ा मायों का ना, और हाथों में डाल लिए कचरे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गांव का वास्ते चले जाओ, किसी ने देख लिया ना तो कयामत आ जाएगी। मेरे दिल में तो पहले से कयामत चल रही है यार, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा फूफा, ठीक है यार, तुम चलो मेरे साथ, वरना मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, खुदा का वास्ते प्लीज चले जा। मेरी जिंदगी में पहली बहुत मुश्किल, प्लीज और तमाशा मत बनाओ। मैं हैसियतें खत्म करने आया हूँ यार, तुम ऐसा करो क्या सबके सामने कह दो कि तुम शादी से इनकार कर रही हो, तुम्हें शादी नहीं करना चाहती, तुम चलो मेरे साथ, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ ना। ऐसा नहीं कर सकती, तुम प्लीज जिस रास्ते से आए हो वापस वहीं से चले जाओ। नहीं हो रहा, नहीं, तुम्हें इनकार करना होगा। अरे तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती यार। मैं कह रही हूँ तुमसे, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, कल मेरी शादी है, मेरी बारात है कल, ये मुमकिन नहीं है। अब अगर तुम मेरे साथ हो तो हर चीज मुमकिन, चलो तुम मेरे साथ। इतनी जुर्रत, बहुत बहुत मुबारक हो आपको बहन, अल्लाह ताला ने ये खुश नसीब दिन दिखाया और मैं अपने बेटे की मेहंदी लेकर आई आपके घर। बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो ज़हीना।
देसी घी में बनी हुई मिठाइयाँ लाई हूँ, आपको तो पता है ना आजकल महंगाई कितनी है, फिर भी आपके लिए लेकर आई हूँ, रखवा दें जरा अंदर। जाओ मिठाई नीचे जाके रख दो। अच्छा अब हमारी बहू को तो बुला लेना, देखें फिर देर ना हो जाए ना, हम तो हर काम अपना टाइम पे करने की आदत है हमें। तुम मेरे घर में कुछ केयर करते करे मुझे तुम्हें जिंदा नहीं छोडूंगा। खैर क्या हो गया? राम जाने सुहेल बस करें, बाहर धूले वाले आए हुए, अगर उनको पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी, छोड़े इसे। जान से मार दूंगी जान से। तुम क्या कर रही हो, मना करो इन्हें, इसे मरवाने के लिए बुलाया क्या? भाभी मुझे सच में इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। भाई प्लीज छोड़ दे इसे। चुप कर बजरंग, इससे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले मैं बगैर से निपटूंगा। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अगर आज तो अपने पैरों पे चला गया ना, मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। चल बाहर चल। ये देखिए ये गुल खिलारी थी आपकी बेटी, कब से मना कर रहा था उसकी इतनी साइन मत लिया करे, लेकिन मेरी सुनता कौन है इस घर में, और तू क्या करा शकल देख। चेर चेर बेटा, तुझे तो मैं जिंदा मार दूंगा। चेर बेटा हौसला क्या हौसला। अरे अल्लाह लाइबा सत्या नाश हो तेरा, एक मेरा ही घर मिला था क्या बर्बाद करने को, मेरा ही बेटा मिला था इस आवारा बच्चलन लड़की से नसीब जोड़ने को और नसीब फोड़ने को, कौन से जन्म का बदला लिया तूने हमसे ये बता, क्या हमारा ही एक घर रह गया था इज्जतदार घराना इन सारे कामों के लिए। नहीं बहन आपको कोई जरूर गलत फहमी हुई है, आप पूछ सकती है सबसे। अपनी आंखों देखी मक्खी निकल लूं मैं, गली का कचरा उठा के सर पर डाल लूं मैं। खुदा के लिए मेरा यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे हट, मैं क्या समझा था तुझे और तू क्या निकली, बस जात मुमनों वाली सूरत और करतूत, तोबा तोबा, मेरा तो दम घुट रहा है इस घर में। अम्मा निकलो यहां से, निकलो सर। मान उठाओ चलो। यकीन करो मेरा, मैंने कुछ नहीं किया। क्या कर दिया गलत, चंद लम्हों में मेरे माँ बाप की इज्जत रोल्ड कर गए। बेटी कितनी बेशरम निकली, वक्त भी लिहाज नहीं किया, रात के अंधेरे में यार को बुला लिया अपने। मौका अच्छा था, मुंह काला करके किसी के साथ भाग जाती, लेकिन बदकिस्मती देखो एंड मौके पर पकड़ी गई। अरे शकल से कितनी मासूम लगती, और करतूत तो देखो, तोबा तोबा। अब शकल पे किसके लिखा हुआ है कौन अच्छा है कौन बुरा, बस ऐसी बदकिरदार औरत औलाद किसी को ना दे। आमीन। इस गलाजत भरे माहौल में तो मेरा दम घुट रहा है। हाँ चलो पड़े आए थे इज्जतदार बनने, बेटी ने तो चंद लम्हों में इज्जत उतार के रख दी। इंसान के गर्दन में इतना भी सारी अच्छा नहीं होता है, इतनी भी अकड़ नहीं होनी चाहिए इंसान को, जब गिरता है ना तो मुंह के बल गिरता है। अरे हो गई शादी, दफा हो जाओ सारे, चलो जाओ। अरे हाँ हाँ जा रहे हैं, हमें भी कोई शौक नहीं बैठने का, चल भाई चलो 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 जाओ यार चलो।
ये ले थोड़ा सा खाना खा ले। आपने खाना नहीं खाया, आपका शुगर लेवल कम हो जाएगा। और फिर अभी आपको दवा भी तो खानी है ना, थोड़ा सा तो खा लें, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सायमा बेगम, अब तबीयत ठीक करने से क्या फायदा, इस रुसवाई के बाद तो मर जाने को जी चाहता है। बाबा तुम जाओ यहाँ से। बाबा बाबा मैं बेकसूर हूँ बाबा। बाबा आपको अपनी हुरैन पे यकीन है ना? जाओ यहाँ से। तुम्हें पता है ना तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। बाबा मेरे यकीन करे बाबा, रात जो भी हुआ मुझे उसका इल्म नहीं था, मैं कसूर हूँ। आपकी हूर आपकी इज्जत की रखवाली है, इसका दामन पाके प्लीज मेरा यकीन करें। या अल्लाह कितनी बेशरम निकली है, है? अपना रूप दिखा दिया इसने, किसी की इज्जत का ख्याल नहीं रखा, अपने बूढ़े बाप का या अपने भाई की जवानी का। अगर ये बुरी थी तो अंदर ही बुरी रहती ना, लेकिन हमें भी पूरी दुनिया में इसने रुसवा करके रख दिया। सुहेर मुझे ना इस पे पहले ही शक था कि जरूर ना ये कोई चन चढ़ाएगी, और वही हुआ, चन चढ़ा दिया इसने अपने आशिक को बुला के। तुम जानती थी इसकी चालों को? इसका मतलब तुम इसके जुर्म में बराबर की शहरी को। छोड़े ना, बताती हूँ। मैं वैसे फितना जानती हूँ कि ये चोरी छुपे उस लड़के से बातें करती थी, और जब हमें देखती थी तो फोन छुपा लेती थी। हालांकि घर के इतने सारे काम करती थी, लेकिन उसके बावजूद इसका सारा जो ध्यान था ना वो उस लड़के की तरफ था। नहीं, बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? जुहेर मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, मुझे आपको बता देना चाहिए था। अब ये बदनामी 7 नस्लों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। आए हो रहन तेरा कुछ ना रहे, तूने अपने जवान भाई को कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आए ये दिन दिखाने से पहले तू मर क्यों नहीं गई हो रहन? जुहेर जुहेर हमें सारी दुनिया में जलील करवाकर तू यहां सच्चाई साबित कर रही है अपनी, बदबख्त। इसलिए कॉलेज जाती थी ना, इसलिए जाती थी कि पढ़ाई के बहाने ये गुल खिलाए तू। ना बेटा ना, ना ये जुर्म ना करना। सुन तो इसलिए क्या अबू, हमारी नाक कटवा दी पूरे मोहल्ले में। खुदा जैसे मैंने कुछ नहीं किया, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गलत किया यार, बहुत गलत किया। किस तरह उसकी इज्जत को पामाल कर दिया मैंने, किस तरह उसने अपने आप को कांच की तरह संभाल के रखा, और आज मैंने उसको रेजा रेजा कर दिया यार। ओ खुदा ये क्या हो गया यार, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने। तुमने कुछ गलत नहीं किया, ये मोहब्बत का तकाजा था, और तुमने भी तो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर ही किया ना ये सब। नहीं यार, मैंने अपनी मोहब्बत को बदनाम किया है, रुसवाई मोल ले ली हमेशा के लिए। ये सब ऐसे ही होना था, कुछ दिन आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। नहीं यार, वो किस हाल में होगी? पहले अपना हाल देख ले, शुक्र है जिंदा बचाया। इससे तो अच्छा था मैं मर जाता, इससे कम रहन की नजरों में सुखरू तो हो जाता यार। बस कर दे यार, अगर तेरा इतना ही ख्याल होता ना तो तेरे आगे नहीं लगती, बात मान लेती तेरी। वो एक शरीफ खानदान की लड़की है, बड़ों की इज्जतों की लाज रखने वाली लड़की है। आखिरी तुम तो ये कैसे भूल गया यार, उस इज्जत को बचाने के लिए उसने मुझे ठुकराया था। हालांकि मैं जानती थी कि उसकी भाभी कैसी है, किस नेचर की है,
जानबूझ के गलत करवाया है यार, ताकि मैं उसके करीब ना जा सकूं, उसके करीब ना हो सकूं, उसका ना हो सकूं। तुझे ना भाभी का किस्सा ही तमाम कर देना चाहिए था। बहुत ही जालिम औरत है वो, क्या मिला उसको ये सब कुछ करके। हेलो, हाँ मिसबा, क्या ये क्या कह रही हो तुम? अच्छा मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ? यार तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। वो क्या? यार हुरैन ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। क्या? मरीज के साथ आप लोग हैं? हाँ जी जी, खैरियत तो है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, नस कटने की वजह से ब्लड बहुत ज्यादा बह चुका है। मेरी बच्ची बच तो जाएगी ना? अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह सब बेहतर करेगा। फिलहाल अभी आप ब्लड का इंतजाम कीजिए प्लीज। ठीक है। हुरैन का तो ब्लड भी बहुत मुश्किल से मिलता है, अब क्या होगा, कहाँ से लाएंगे? तुम घबराओ नहीं, मैं करता हूँ इंतजाम। अपना नाम ही लिखना था तो पूरा तो लिखते हैं। पूरा ही तो है। तुम ना गजनी की स्पेलिंग भूल रहे हो। गजनी की स्पेलिंग है GHI। नहीं, पूरा है। जी से गजनी, एच से हुरैन। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, तब से मेरा नाम मुकम्मल हो चुका है। मेरा नाम ही लिखना था तो दिल जले आशिकों की तरह खून से लिखते ना। ये मार्कर से क्या टैटू बना है? मैंने सोचा था पहले, फिर मुझे याद आया कि यार मेरा तो ब्लड ग्रुप बहुत कीमती है। ओ नेगेटिव। यानी हमारी मोहब्बत की तरह हमारा खून भी बहुत कीमती है। हाँ, हाँ? तुम भी ओ नेगेटिव। चलो एक बात अच्छी है कि मुझे मेरा डोनर तो मिला। अरे खुदा ना करे कि कभी भी तुम्हें मेरे खून की जरूरत पड़े। देखो मेरी बात सुनो, अब तुम्हारा ना कुछ नहीं है, तुम भी मेरे हो, तुम्हारा वक्त भी मेरा है, तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा खून। ये ले यार, जूस पी ले। नहीं यार, एक घूंट भी नहीं पीऊंगा। जब तक उसकी खैर की खबर नहीं मिल जाती मैं नहीं पीऊंगा यार। तू ले जा ऐसे। सल्ली रख यार, वो ठीक हो जाएगी। अब उसके चक्कर में अपनी जिंदगी को क्यों दांव पे लगा? क्या दांव पे लगा रहा है वो? मेरी वजह से मौत और जिंदगी के कश्मकश में है यार। तू पागल हो गया? अगर उसे कुछ हो गया ना, मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगा। तुझे मैं कैसे समझाऊं यार? अच्छा बस, अब ज्यादा मजनू बनने की जरूरत नहीं है। ये जूस पी ले ताकि महबूबा को दिया हुआ खून वापस आ जाए। नहीं यार, तो मेरे बस में हो ना, तो खून का आखिरी कतरा कर दे तुम और उसे बचा। चाहे उसके लिए तू खुद क्यों ना मर जाता। हाँ, उसके बगैर ये जान किस काम की। अच्छा चल, ज्यादा बातें नहीं कर, ये जूस पी, फ्रेश हो जाएगा। नहीं यार, मेरा दिल नहीं कर रहा। मिसबा की कॉल। हेलो, हाँ मिसबा, कैसी कंडीशन है? चलो शुक्र है, वरना ये मजनू आज ही मर जाता। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। शुक्र है हुरैन की जान बच गई। तेरी अम्मी का फोन यार, ये उनसे बात करी, कल से बहुत परेशान है, फोन करे जा रही है। ये ले। हाँ मीम। हाय अम्मी, क्या बताऊं मैं आपको कि यहाँ पे क्या तमाशा हुआ है। पता है जुहैर ने तो छुरी उठा ली थी और गलती से ना उसकी हाथ की नस कट गई। और पता नहीं उनको बेचारा कोई एक नेक इंसान कोई मिल गया हॉस्पिटल में, कोई खून डोनेट करके चला गया। एक तो मुझे समझ नहीं आती इस मनहूस की जिंदगी क्यों बढ़ती चली जा रही है। लाइबा। अम्मी मैं आपको फोन करती हूँ। आप आगे सब खैरियत तो है? किसी ने आपके खिलाफ बयान तो नहीं दिया? मेरे खिलाफ कोई बयान दे भी देता तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेता। हाँ कह तो आप सही रहे, गैरत के नाम पे तो कत्ल भी जायज है। और फिर जहाँ पे इज्जत की बात आ जाए,
वहां पे तो खून खोलता ही है ना। इस बार तो हुरैन बच गई, आइंदा कुछ ऐसा हुआ उसे जिंदा दफना दूंगा। जिंदा दफना दूंगा, निशाना तो इतना कच्चा है। मेरा तो दिल था कि छुरी हाथ पे लगने के बजाय सीधा गर्दन पे लगती। या अल्लाह, ये मैं कहाँ आ गई? शेर दफा करो, अम्मी से बात करती हूँ। पता नहीं मैं बात क्या कर रही थी। जी अम्मा। रेन, अम्मी मैं ठीक हूँ। अरे अम्मी, आप क्या बच्चों की तरह रो रही हैं? शुक्र खुदा का बेटा कि तुम ठीक हो, वरना हम अपने आपको कभी जिंदगी में माफ नहीं कर पाते। एक ना एक दिन तो जाना ही है ना हमें। हाँ, लेकिन अल्लाह ना करे मेरे जीते जी वो दिन आए। अम्मी खबरदार जो आइंदा आपने ऐसी बातें की। एक माँ के लिए इससे बड़ी अजियत क्या होगी कि उसकी जवान जहान बेटी का वजूद चार कंधों पर जा रहा हो, वो पुकारे तो वो लौट कर ना। ऐसी माँ को तो अपनी हर सांस से नफरत महसूस होगी। अम्मी मुझे एहसास है। नहीं अभी नहीं, जब तुम खुद माँ बनोगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कि ऐसी बातें माँ बाप को कितनी अजियत देती है। अम्मी आप ठीक कह रही हैं, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दें। ठीक, इस बार माफ कर रही हूँ, लेकिन कभी जिंदगी में ऐसी फजूल बात मत करना, वरना मरते दम तक मेरा मुंह नहीं देख पाओगी। हम कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, बस आप मुझे माफ कर। क्या जरूरत थी उसे बचाने की? मरने दिया होता वहां पर। क्या करता हूँ, मजबूर था, बेटी है मेरी। अरे इतना सब कुछ कर दिया उसने, फिर भी आप उसको बेटी कह रहे हैं? लाना तो ऐसी बदकमाश बेटी पर। अच्छी तरह जानता हूं मैं अपने जिगर के टुकड़े को, वो बेकसूर है। बस कर दें बाबा, आंखों देखी मक्खी कौन निकलता है, लेकिन आपको तो कुछ नजर ही नहीं आता। यहाँ करे कोई और भरे कोई, अब खाली पेट उनको सारा दिन ना काम करना पड़ेगा एक अपनी बेशरम बहन की वजह से। खुदा के वास्ते मुझे अकेला छोड़ दो तुम। मैंने तुमसे कहा ना मुझे तुमसे नहीं मिलना। अब्बू मैं बता रहा हूं आपको, इस बार मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कैसे बगैरत बाप हो, यहाँ खड़े होके हमारे सामने अपनी बेटी की वकालत कर रहे हो? अरे ऐसी चलकता लड़की को मैं अपनी बहू बनाऊं, तुम लोगों ने सोचा भी कैसे? अरे मेरा इतना मासूम और फरमाबरदार लड़का मेरे मुंह को आ रहा है इस बदनसीब की वजह से।